कस्बे के मुख्य बाजार में हुई एक बड़ी अनहोनी घटना जिसमें दो मंजिला इमारत का लेंटर गिर पड़ा, जिसे 5 लोग मलबे में दब जाने की खबर मिली, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर बड़े बड़े अधिकारी और नेतागण का जवाड़ा लग गया। इस पूरे ऑपरेशन में अग्निशामक बरेली की टीम, सिविल लाइन परसाखेड़ा, नवाबगंज व मीरगंज के मौके पर रेस्क्यू करने के लिए मुख्य अग्निशामक अधिकारी चंद्रमोहन शर्मा के नेतृत्व में पहुंची। कई घंटे को रेस्क्यू ऑपरेशन में जेसीबी और क्रेन की मदद से तथा अग्निशामक के कर्मचारियों द्वारा कुछ लोगों को मलबे से निकाला गया, जिसमें से 2 लोग मृतक निकाले गए और 3 लोगों को बुरी तरह से घायल अवस्था में निकाला गया। वैसे ही उन्हें जल्दी से अस्पताल भेजा गया, जिनका अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है। इस पूरे ऑपरेशन के मुख्य अग्निशामक अधिकारी बरेली चंद्रमोहन शर्मा मौके पर मौजूद रहे। इससे पूर्व भी अग्निशामक बरेली के मुख्य अधिकारी चंद्रमोहन शर्मा द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए थे, जिसमें काफ़ी बड़ी घटनाओं को रोका गया था। इनके जनहित में कार्य को देखते हुए स्थानीय लोग इनके कृतज्ञ हैं। बरेली उत्तर प्रदेश के अखलाक अंसारी की रिपोर्ट, देख रही है आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।